शिमारू विंटेज से सारे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। दिल है हमारा फूल से नाजुक, बाजू है फौलाद, मंडी जा रही हूँ। ठहरो, करना।
महाराज के हुक्म के मुताबिक इस रियासत के हर दुर्दशा बच्चे को मौत के घाट उतार दिया है। आज हमने हर माँ की गोद सूनी कर दी है ताकि ये राहत महल हमेशा आबाद रहे। शाबाश। सुन लिया राज ज्योतिषी, अब इस रियासत का कोई मामूली बाशिंदा हमारी बेटी से शादी करके इस तख्त पर नहीं बैठ सकेगा। आज हमने उस फितने की जड़ को हमेशा के लिए काट डाला जो तुम्हारी ज्योतिष विद्या के मुताबिक 18 बरस के बाद इस रियासत में सर उठाने वाला था। महाराज, भगवान की लीला न्यारी है, हर बात अपने समय पर होकर रहेगी। हम समय के बहते हुए धारे को रोक देंगे। रुकने से धारा तूफान बन जाता है महाराज। मगर यह तूफान हमारी रातों से नहीं टकरा सकता, ये नहीं हो सकता। तू चाहे तो सब कुछ हो सकता है भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। अगर मुझसे कुछ अपराध हुआ है तो क्षमा कर दे, अब मुझसे बेऔलाद नहीं रहा जाता, अब मुझसे बेऔलाद नहीं रहा जाता। सच है प्रभु, तू चाहे तो सब कुछ हो सकता है, तेरी लीला अपरंपार है। मालकिन, ये क्या उठा ले आई आप? अरे देख तो, भगवान ने मुझे संतान दी है। हाँ? अरे तू इतनी हैरान क्यों हो रही है? क्या ये भगवान के बस की बात नहीं? मालकिन, मुझे तो ऐसा लग रहा है किसी बेरहम माँ ने सिपाहियों के डर के मारे अपने बेटे को नदी में फेंक दिया है और वो बहते में कल मुही। आगे और कुछ कहे तो तेरी जबान खींच लूंगी। चंपा, जरा आंगन के दिए जला लेना। तू जला लेना, मुझे और बहुत काम है। राम प्रसाद, आज दिवाली है क्या? नहीं मालिक। तो फिर ये दिए क्यों जल रहे हैं? ये तो मालकिन से पूछो। मालकिन? मालकिन कहाँ है तुम्हारी? वो तो बबुआ को दूध पिला रही है। बबुआ को दूध? ये क्या बात है? ये बच्चा किसका है? अपना है? अपना? ये सारी कहानी फिर सुनाऊंगी, यूं समझो कि भगवान ने भेजा है। तुम जानती हो आजकल रियासत में बच्चों को कत्ल किया जा रहा है? जानती हूँ। अगर इस बच्चे के बारे में महाराज को मालूम हो गया तो? महाराज को कैसे मालूम होगा? मैं अपने लाल को दिल में छुपा के रखूंगी, दिल में। ओ, राजज्योतिषी, 18 बरस तो पूरे हो चुके, अब तुम्हारी ज्योतिष विद्या क्या कहती है? क्षमा कीजिए महाराज, भाग्य के लेख को कोई नहीं मिटा सकता। मेरी ज्योतिष विद्या के अनुसार तो राजकुमारी का ब्याह किसी मामूली ही आदमी से होगा। खामोश! मैं मजबूर हूँ महाराज, मेरी ज्योतिष विद्या यही कहती है। आपकी विद्या झूठी, गलत। ज्योतिषी जी, गुलाब का फूल खेतों में शोभा नहीं देता, उसके लिए शाही चमन चाहिए, समझे? तुम ठीक कहते हो मंत्री, इनकी अकल अभी ठिकाने नहीं आई, 18 बरस से एक ही रट लगाए जा रहे हैं। जाओ राज ज्योतिषी, जाओ कहीं जंगलों में जाकर तपस्या करो। हमने राजकुमारी को कहलवा दिया, वो तुम्हारे साथ शिकार पर जाएगी, जैसे महाराज की इच्छा। मगर महाराज क्या कहेंगे? तुम चुप रहो, मैं मंत्री के साथ नहीं जाऊंगी, मैं अकेली जाऊंगी, कह देना महाराज। Thank you.
राजकुमारी जी, मिजाज कैसा है? अच्छा। सरकार, हम बकरी का बच्चा लिया है। इसे वो सामने वाली झाड़ियों में बांध दो। इसे क्यों छोड़ दिया? ये बकरी का बच्चा मेरा है, इसे इसकी कीमत दे दो। मुझे कीमत नहीं चाहिए। बकरी की आड़ में शिकार खेलना मर्दानगी नहीं है। अर्जुन, इसे मर्दानगी का मजा चखाओ। अपना हाथ। नहीं नहीं, मैं हाथ नहीं दूंगी। यह क्या हुआ है आपको? आप नहीं समझेंगे। मैं एक हिंदुस्तानी लड़की हूँ, एक बार जिसका हाथ थाम लिया जिंदगी भर उसी का साथ देना पड़ता है। तो ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं। ये क्या कह रहे हैं आप, चले जाइए यहाँ से। ये आपने अच्छा नहीं किया। अच्छाई तो सिर्फ अच्छों से की जाती है। तो क्या मैं बुरी हूँ? बुरी तो नहीं, आप काफी अच्छी हैं। चलिए मैं आपको राजमहल पहुंचा दूं। मगर मैं इन कपड़ों के साथ राजमहल कैसे जाऊंगी? आप मेरे घर चलिए, वहां अच्छे कपड़े मिल जाएंगे। अच्छा तो चलो। चल। कितना सुंदर मुखड़ा है मेरी रानी का, अगर चांद देखे तो वो भी शर्मा जाए। माताजी, बहुत देर हो गई, अब मैं इन्हें छोड़ा। जी तो नहीं चाहता कि जाने दूं, मगर मजबूर। अच्छा जाओ बेटी। नमस्ते। जीती रहो। अरे मैं तो ये पूछना भूल ही गई, फिर मेरे घर कब आओगी? जी। बहुत जल्द ले आऊंगा माताजी। देख रही चंपा, कितनी अच्छी जोड़ी है दोनों की। जोड़ी तो बहुत अच्छी है मालकिन, मगर आप ये भूल रही हैं कि वो है राजकुमारी और ये। बंद कर अपनी जबान, निकल जाए यहाँ से चुड़ैल, जो मुंह में आता है बक देती है। मतवारे साजना
एक अजनबी राजकुमारी को तुम्हारे सामने उठाकर ले गया और तुम उसका मुंह देखते रहे। हमने उसका पीछा किया और वो तुमसे आगे निकल गया। हमने जंगल का कोना कोना छान मारा मगर राजकुमारी का कहीं पता ना चला। तुम यही कहना चाहते हो ना? मुझे एक दिन की मोहलत चाहिए महाराज, मैं राजकुमारी को किसी तरह ढूंढ निकालूंगा। राजकुमारी के साथ साथ उन हाथों को ढूंढ कर कलम कर डालो जिन हाथों ने राजकुमारी को उठाकर ले जाने की जरूरत की है। ऐसे ही होगा महाराज। महाराज यही है वो मुजरिम। सिपाहियों दूर रहो। ये कहां का इंसाफ है पिताजी कि बचाने वाले हाथों को काट दिया जाए। राजकुमारी साहिबा को गलतफहमी हुई। इस अजनबी ने आपको राजमहल तक पहुंचाकर अपने जुर्म पर पर्दा डालने की खूबसूरत कोशिश की। ये सब झूठ है। तो फिर सच क्या है बेटी? अगर ये मुझे नहीं बचाते तो मैं दलदल में फंसकर मर चुकी होती। ओ, नौजवान हमारे करीब आओ। तुम हमारी रियासत के बाशिंदे हो? जी हाँ महाराज, मैं ठाकुर रंजीत सिंह का बेटा हूँ। ठाकुर रंजीत सिंह, तुम्हारे पुरखों ने हमारे ताजो तख्त की हिफाजत के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। तुम तो रियासत के वफादारों में से हो। शुक्रिया महाराज। पहलवान मालूम होते हो। तुम्हें मालूम होगा कि खेल तमाशों के लिए हम राजधानी में एक अखाड़ा बनवा रहे हैं और उस अखाड़े की तामीर के लिए हमने गैर मुल्की क्या कहते हैं उसको मेमार को क्या कहते हैं वो अपने आप को इंजीनियर। हाँ अंजीर, अंजीर। हम चाहते हैं कि तुम उस अंजीर के साथ इस अखाड़े की तामीर में हिस्सा लो। महाराज का हुक्म सारा आंखों पर। मगर इसके लिए हमें उस इंजीनियर से पूछना होगा। और उस अंजीर से पूछने की कोई जरूरत नहीं। हम इस नौजवान के ताकतवर बाजुओं पर पूरा भरोसा है। शुक्रिया महाराज, अब मैं आज्ञा चाहता हूं। तुम जा सकते हो नौजवान। पिताजी। हाँ तुम भी जा सकती हो। मंत्री तुम भी जा सकते हो। कंगन गया कहां? क्या धरती निकल गई? इसमें इतना बिगड़ने की क्या बात है? मैंने नौकरों को बुलवाया, उनसे पूछ लेते हैं। इस तरह पूछने से वो बता देंगे। आप भी बुढ़ापे में बच्चों की सी बातें करते हैं। लो, वो आ गए। रामप्रसाद, सच सच बता, तूने कंगन उठाया? नहीं मालकन, हम तो सवेरे से रसोई घर में था। हमका नहीं मालूम। धन्नो, तूने उठाया? नहीं मालकन, मैंने नहीं उठाया। मैं झूठ बोलूं तो मेरी जीभ जल जाए। क्या बात है मालकन? चंपा इधर आ। चंपा, तू हमारे यहां बरसों से काम कर रही है। हम नहीं चाहते तुझ पर कोई धब्बा लगे। अगर तूने कंगन उठाया है तो सच सच बता दे, हम तुझे माफ कर देंगे। नहीं सरकार, मैंने कंगन नहीं उठाया। तू झूठ बोल रही है। कंगन तूने ही चोरी किया है। जानती है पराई चीज को हथियाना कितना बड़ा पाप है? ये पाप आपने किया है मालकिन। पराए बच्चे को अपना बच्चा कहकर पाला है। चंपा, निकल जा घर से। निकल जा, नहीं तो मैं तेरा गला घोंट दूंगी। निकल जा यहाँ से। चोरी करती है, ऊपर से सीना चोरी। चंपा ने क्या चुराया है माँ? कलमुही ने कंगन चोरी किया और ऊपर से इनकार करती है। ओह, आप इस बात को भूल भी जाओ ना, अमर भूखा होगा, इसे खाना खिलाओ। राम प्रसाद, खाना परोस। चल बेटा। पहले खुशखबरी सुन लो माँ, महाराज ने मुझे मुलाजिम रख लिया है। मुलाजिम? ठाकुर रंजीत सिंह का बेटा और मुलाजिमत करे? तू इनकी मत सुन, ये तो सठिया गए। चल खाना खा ले। मुर्दार,
जल्दी जल्दी खींचो। दो आदमी ऊपर भेजकर मालूम करो कि रस्सी ठीक से बंधी है या नहीं। आप खुद देख चुके हैं। चलो जल्दी। इधर एक दीवार बनाना मांगता है। ठीक है इंजीनियर साहब, जिस रस्सी से थंब को खड़ा किया जा रहा है वो रस्सी ठीक से नहीं बंधी है। तुम हमको काम सिखाने आया है? आप गलत समझ रहे हैं। अमर, ज्यादा बोलने की आदत अच्छी नहीं होती। जाओ तुम अपना काम देखो। देख लिया? ज्यादा छूट तो नहीं आई? अगर मैं मर जाती तो अच्छा था। ये क्या कह रही हो? ऐसा जीना भी किस काम का? तो क्या तुम्हारा कोई नहीं है? भगवान ने एक बेटा दिया था। क्या देख रही हो? ये तावीज मेरी माँ ने बांधा है। वो समझती है इसके होते हुए मुझ पर कोई आंच नहीं आएगी। हर माँ यही सोचती है। किसके बेटे हो तुम? ठाकुर रंजीत सिंह का। ठाकुर रंजीत सिंह? बहुत बड़े आदमी है वो। एर सिंह, इनको घर पहुंचा दो और मरम पट्टी का इंतजाम कर दो। श्यामो, आओ आओ, छोड़ो, महाराज आ रहे हैं। आओ श्यामो। ये हादसा कैसे हुआ और किसकी गलती से हुआ? किसी ना तजुर्बेकार पे भरोसा करने का यही अंजाम होता है महाराज। मंत्री जी, आप मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। ये गलती इस इंजीनियर की है। मैंने इससे कहा था। ये हमारे बेइज्जती का सवाल है। हम ऐसा काम करना नहीं मांगता। नहीं मांगता तो मत करो। जाओ यहां से। अमर, आज से यह अखाड़ा बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। मगर एक शर्त पर महाराज, मेरे काम में कोई दखल नहीं देगा। जरूर जरूर। मंत्री, आज से अमर के किसी काम में तुम दखल मत देना। जैसा आप कहें महाराज। नया ओहदा मुबारक हो। शुक्रिया। भाइयों काम शुरू करो। कलेजे बामा कतखले बाकरी हाय रामा। कलेजे बामा। राम प्रसाद, मालूम होता है घर में कोई नहीं। तुमको कैसा पता चली? इसलिए तुम गा रहे हो। सच कहती हो, माताजी घर में ना आई। कहाँ गई हैं? मामा जी की तबीयत ठीक ना है, इसलिए सरकार के साथ उन्हें देखने गई है। कब तक लौटेंगे? हमका नहीं लागे तो आज रात को लौटेंगे। अगर आज रात को नहीं लौटे तो हमारी खैर नहीं। क्यों, क्या बात है? माता जी हमका एक कमरे को सोने में कह गई और चंपा कह गई कि एक कमरा बाप बहुत है। तुम तो पागल हो गए हो। जाओ जल्दी से खाना ले आओ। आइए इंजीनियर साहब, सुना है कि आप अपने देश वापस जा रहे हैं। हाँ, तो फिर यहां रह के करेगा क्या? बहुत कुछ कर सकता है। तुम अगर चाहो तो अमर तुम्हारे रास्ते से हट सकता है। वो कैसा? वो तरकीब हमने सोच ली है। तो देर किस बात की? शेर सिंह, इंजीनियर साहब को ले जाकर सारी बातें समझा दो। बहुत अच्छा, आइए इंजीनियर साहब। नैन से नैन जो लड़िए तो कल जे बाबा कसक होए बा करिए। कल जे बाबा कसक होए बा।
रे क्या है जो शोर मचा रखा है मालिक हमने अपनी अक्षियों से देखा रहा भूत अरे पागल कहीं कुत्ते या बिल्ली को देखा हो ना बिल्ली हुई है ना कुत्ता ये सच मुझ का भूत हुई है मालिक ये भूत तो कोई प्रदेशी लागत रहा देख राम प्रसाद से हटाना बहुत मुश्किल काम है। हम ऐसा ताकत वाला आदमी आज तक नहीं देखा मगर रकुल के सामने ताकत नहीं चल सकती इंजीनियर साहब मैं अमर को खत्म करके रहूंगा सरकार एक औरत आपसे मिलने आई है क्या काम है कहती है आपसे एक जरूरी काम है भेज दो वक्त वक्त इसको देखो चलाता है कोई खास बात होगी तभी तो इतनी रात को आई है क्षमा करें सरकार मुझे आपसे कुछ कहना जो कुछ कहना है जल्द कहो मुंह छोटा है और बात बड़ी महाराज ने एक नीच जाति के आदमी को अपने दरबार में जगह दी है कौन है वो अमर अमर तो क्या वो ठाकुर रंजीत सिंह का बेटा नहीं जी नहीं तो फिर आज से 18 साल पहले ठुकरानपुर नदी के किनारे पर एक बच्चा मिला था वो ही अमर है इसका सबूत क्या है ये चिथड़ा जो उस बच्चे के जिस्म पर लिपटा हुआ था सरकार मैं खुद वहां मौजूद थी ठाकुर रंजीत सिंह हमें रियासत के चंद वफादारों से पता चला है कि अमर तुम्हारा बेटा नहीं है क्या ये सच है ये झूठ है महाराज अमर मेरा बेटा है मैंने इसे अपने जिगर का खून पिला के बड़ा किया है महाराज मैं इसकी माँ हूँ हमें ये कहते हुए अफसोस होता है
कि इस झूठी ममता के तूफान में तुम्हारी वफादारी की नाव डगमगा रही है। महाराज, ममता भगवान की दी हुई एक नेमत है और वफादारी इंसान की बनाई हुई एक बेरहम जंजीर। तो क्या तुम इन जंजीरों को तोड़ देना चाहते हो? जो प्यार और ममता का गला फोड़ दे उन जंजीरों का टूट जाना ही बेहतर है। हाथ तोड़! तुम अपनी हद से आगे बढ़ रहे हो। हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं ये किस झोपड़ी का चिराग है जिसने राजमहल में जलने की जुरत की है। महाराज, ये मैं बताती हूँ। आज से 18 साल पहले इन चिथड़ों में लपेटा हुआ एक बच्चा नदी के किनारे पर रो रहा था, जिसको ठुकरैन ने उठा लिया, उसको पाला पोसा बड़ा किया। आज उसी बच्चे को ये अपना बच्चा कहती है। ये सब झूठ है महाराज, बिल्कुल झूठ है। सच बता, मैं किसका बेटा हूँ? मैं तेरी माँ हूँ, तू मेरा बेटा है। मेरी माँ कोई और है। नहीं नहीं, ये बिल्कुल झूठ कहती है। माँ, तू मेरा बेटा है। अम्मा, गिरफ्तार कर लो। दरवाजा बंद करो, कोई गड़बड़ मालूम होती है। माँ, तूने मुझे पहले ही क्यों ना बताया कि तू मेरी माँ है? क्या तू पागल हो गया है? मैं तेरी माँ नहीं हूँ। माँ तो मुसीबत से घबराकर अपने बच्चे को भूल सकती है, लेकिन बच्चा मुसीबत पड़ने पर माँ को ही याद करता है। मैंने कह दिया ना, मैं तेरी माँ नहीं हूँ। मैं जानता हूँ तू किस लिए इनकार कर रही है। तू ये समझती है कि मैं तुझसे दूर राजमहल में खुश रह सकूंगा, मगर मैं तो तेरी छाया में रहना चाहता हूँ। माँ, मैं तेरी गोद के लिए राजमहल को ठुकरा कर चला आया हूँ। मुझे गले से लगा लो माँ, मुझे गले से लगा लो। मेरे लाल, माँ, मेरे बच्चे, माँ। आओ बेटी। पिताजी, मैं आपसे कुछ मांगने आई हूँ। दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है बेटी जो हमारे प्यार ने तुम्हें नहीं दी? ताज तख्त क्या, हम तो अपनी जिंदगी तुम पर निछावर कर चुके हैं। अगर तुम्हारे लिए ये भी कम है तो और मांगो। अब मैं आपसे कुछ ना मांग सकूंगी। मेरी बच्ची, ये कहकर तू मेरे प्यार को शर्मिंदा मत कर। मांग, क्या चाहती?
मैं चाहती हूँ कि उस अजनबी को आजाद किया जाए। तेरा मतलब अमर से है? जी हाँ। तू ऐसा क्यों चाहती है? इसलिए कि आपके दामन पर बेइंसाफी का दाग न लग जाए। तो हम जालिम हैं, हमने अमर के साथ नाइंसाफी की है। ये बात नहीं पिताजी, वो बेकसूर हैं। ये तुम किसके इशारे पर कह रही हो? बोलो, जवाब दो। हम सब समझते हैं, तुम चाहती हो कि राजज्योतिषी की बात सच हो जाए। हजारों मासूम बेगुनाहों का खून बहाने की बजाय अगर पैदा होते ही हमने तुम्हारा गला घोंट दिया होता तो बेहतर था। दूर हो जाओ हमारी नजरों के सामने से, जाओ। मंत्री, कल सूरज निकलते ही अमर को फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाए। महाराज, अमर के चाहने वाले इस रियासत में बहुत है। अगर उसे इस तरह फांसी दी गई तो बगावत के फैल जाने का अंदेशा है। तो क्या हमारी फौज इतनी कमजोर है कि इस बगावत का मुकाबला नहीं कर सकती? ये बात नहीं है महाराज। तो फिर क्या बात है? ये काम किसी तरकीब से भी निकल सकता है। तो जल्द बताओ वो तरकीब क्या है। इस वक्त हमारे साहिल पे गैर मुल्की जहाज ठहरा हुआ है। उस जहाज में कुछ मशहूर पहलवान हैं जो रुस्तम जमा का खिताब हासिल करने के लिए सारी दुनिया का दौरा कर रहे हैं। उन पहलवानों से हम अमर की कुश्ती तय करते हैं। मगर इस कुश्ती से होगा क्या? ये कुश्ती एक बहाना होगी। बहाना अमर को खत्म करने का। शाबाश, ये काम फौरन हो जाना चाहिए। ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए। वो रही कश्ती। कहो कैसे हो कैप्टन फ्रैंको? आपकी मेहरबानी। तुम लिबास से परदेसी मालूम होते हो लेकिन जबान से बिल्कुल हिंदुस्तानी। सारी उम्र मंत्री साहब सफर करते ही गुजरी है, अब तो ऐसा मालूम होता है कि हर मुल्क की जुबान अपनी ही जुबान है। तुम ठीक कहते हो कैप्टन। महाराज ने तुम्हारे लिए एक तोहफा भेजा है। शेर सिंह, वंडरफुल वंडरफुल, बहुत ही कीमती जेवरात मालूम होते हैं। महाराज का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बदले में हम भी महाराज की खिदमत में एक नया तोहफा पेश करेंगे। कैप्टन, मैं तुम्हें एक तकलीफ देना चाहता हूं। बंदा हर खिदमत के लिए हाजिर है। हाय, तुम सब लोग अपना अपना काम करो। फरमाइए। सुना है तुम्हारे जहाज से कुछ पहलवान सफर कर रहे हैं। जी हाँ, वो रुस्तमे जमा खिताब के लिए। मैं उन पहलवानों से अपनी रियासत के एक पहलवान को खत्म करवाना चाहता हूं। मगर पेश की दी जा चुकी है, बाकी काम होने पर मिल जाएगा। और देखो, मिस वीनस और वीनस, ये हैं यहाँ के मंत्री। मंत्री साहब, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं महाराज की खिदमत में एक नया तोहफा पेश करूंगा। वाकई बड़ा लाजवाब तोहफा है। मंत्री साहब, कैप्टन साहब का मुराद इन कबूतरों से है, समझे? हो, और इन कबूतरों की खसूसियत ये है मंत्री साहब कि ये पैगाम पहुंचाते हैं। कबूतर वाकई खूबसूरत है। जी मंत्री साहब। हो, और अगर इस मुकाबले में तुम जीत गए तो महाराज खुश होकर तुम्हें आजाद कर देंगे। मैं महाराज की खुशी के लिए नहीं लड़ूंगा। मालूम होता है उन पहलवानों से तुम डर गए। अमर भगवान के सिवा किसी से नहीं डरता मंत्री। तुम चाहो तो तुम्हारे माँ बाप भी आजाद हो सकते हैं। क्या ये हो सकता है? मैं पहले ही कह चुका हूं कि महाराज खुश होकर सब कुछ कर सकते हैं। अगर ये बात है तो मैं उन पहलवानों से लड़ूंगा। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी।
महाराज की जय। महाराज की जय। नगरवासियों, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि गैर मुल्की पहलवानों की ललकार का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए महाराज ने हमारी रियासत के इन दो नौजवानों को तैयार कर लिया है। इस मुकाबले में जो जीतेगा उसे रुस्तम जमा का खिताब दिया जाएगा। कुश्ती शुरू की जाए। Hey!
चैलेंज फॉर अ ड्यूल। कप्तान, तुम्हारा पहलवान क्या कह रहा है? महाराज, ये आपके पहलवान अमर से किसी भी हथियार से लड़ना चाहता है। ओ, शेर सिंह। जी हुजूर। तलवारें ले आओ। लेकिन अमर, घबराइए नहीं महाराज, मैं हर मुकाबले के लिए तैयार हूं। महाराज, मंत्री, इन तलवारों का मुआयना कर लो। Thank you.
सकता। ये किस्मत की बात है, महाराज के बाजी उलट गई, वरना अमर अब तक ऊपर पहुंच चुका होता। ओ खामोश, देंगे मत मारो। आप इत्मीनान रखिए महाराज, अमर आपके रास्ते से हटा दिया जाएगा। ये हम बहुत दिनों से सुन रहे हैं। अगर इस बार मैं नाकाम हुआ तो आपको अपना मुंह न दिखाऊंगा। अच्छी बात है। आइए बैठिए, इधर आइए। कम ऑन, जॉइन अस वीनस। भाई अमर, कल तो तुमने कमाल ही कर दिया। यूं तो मैंने दुनिया में बड़े बड़े लड़ने वालों के मुकाबले देखे हैं, लेकिन जो दाव पेश तुम्हारे पास है उसका कोई जवाब नहीं। ये तो सब भगवान की मर्जी है कैप्टन। तुम अपनी ताकत का फायदा क्यों नहीं उठाते? तुम तो बड़ी आसानी से रुस्तम में जमा बन सकते हो। मैं इस झंझट में पड़ना नहीं चाहता। इसमें झंझट की क्या बात है? मैं जो तुम्हारे साथ, जिस तरह से दुनिया के और बड़े पहलवान मेरे साथ दौरा कर रहे हैं, इसी तरह से तुम भी मेरे साथ आ सकते हो। लेकिन मैं अपना वतन छोड़ना नहीं चाहता। क्या वतन से बहुत मोहब्बत है? जी नहीं, इन्हें वतन से ज्यादा वतन वालों से मोहब्बत है। क्यों, ठीक है ना? वीनस, तुम इन्हें समझाओ, शायद तुम्हारे समझाने से ही समझ जाए। आप हमारे साथ चलने के लिए क्यों इनकार कर रहे हैं? मैं मजबूर हूँ। बड़े बेरहम हैं आप। जिस्म तो पत्थर का था, मगर अब दिल भी पत्थर का मालूम होता है। हो गई
नफरत से मुझे क्या करो से काम नहीं चलेगा वरना फाके करते करते तुम भी एक दिन मेरी तरह हो जाओगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तकलीफ काहे को की। अमर, खाना खा लो ना। मुझे भूख नहीं है। मगर मुझे बहुत भूख लगी है। खाना खाने चले जाओ मेरे सामने से। अमर, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं तुम जैसी धोखेबाज से बात भी नहीं करना चाहता। धोखा तुम्हें कैप्टन ने दिया है, मैंने नहीं। तो क्या तुम बेकसूर हो? ये मैं नहीं कहती, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया है वो तुमसे करीब रहने के लिए किया है। बहुत खुदगर्ज हो, चले जाओ यहाँ से। ये पानी इसे दे दो। देखते क्या हो, पानी इसे दे दो। Come on.
डाल दें। कहो हथियार डाल दो, हथियार डाल दो, हथियार डाल दो, हथियार डाल दो। तुमने धोखा किया हमारे साथ और धोखे से ही हमला करके हमारे सिपाहियों को मारा तुमने। ये बात अच्छी नहीं है, दोगे बाद। सब लोग कहाँ चले गए? मंगलू, मंगलू, मैंने एक बहुत बड़ी मकड़ी देखी। मकड़ी? हाँ, हाँ, बस समझ गया। मालूम होता है गर्मी की वजह से इसका भेजा फिगर के मोमबत्ती हो गया है। हाँ, भाइयों इसे पानी देखो। हाँ, पानी देखो। मैं सच कहता हूँ, मैं कसम से। अरे ऐसा ना हो कि प्यास की वजह से अमर भैया को भी भूत दिखाई देने लगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। चलो भाई जल्दी आ जाओ वरना फिर मकड़ी आ जाएगी। भाई मकड़ी से डरता है। बचाओ। नहीं बैठो, मैं पान लेकर आता हूं। कमाल है, यहाँ तो सांप भी है। सांप! मंगलू, 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 भैया। ये तो मर गया। हे अमर भैया, हे पानी मिल गया। हाँ अच्छा चलो जल्दी चलो, वीना इंतजार कर रही हो। मंत्री, हम चाहते हैं कि इस कबूतर को भेजकर अमर का हाल मालूम किया जाए, तुम्हारी क्या राय है? इसकी कोई जरूरत नहीं महाराज, अमर तो कभी का खत्म हो चुका होगा। हमने अपनी तदबीर से राज ज्योतिषी की बात गलत साबित कर दी, मगर यह बात अब तक अधूरी है। हम तुम्हारा मतलब नहीं समझे। मतलब ये कि अब राजकुमारी की शादी हो जानी चाहिए। तुम ठीक कहते हो। आज ही राजदूत को आसपास की रियासतों में भेजकर ये मालूम करो कि राजकुमारी का हाथ किसके हाथ में दिया जा सकता है। इतने दूर जाने की जरूरत नहीं महाराज, मैं जो हाजिर हूं। तुम! पिताजी, आपने मुझे बुलाया? महाराज ने नहीं, मैंने आपको बुलाया। किस लिए? ये बताने के लिए कि आपकी शादी मुझसे होने वाली है। ये गलत है, हमारी बेटी की शादी तुम्हारे साथ हरगिज नहीं हो सकती। महाराज अब हर काम मेरी मर्जी से होगा, आपकी मर्जी से नहीं। गद्दार! सिपाहियों, सिपाहियों! आप तकलीफ मत कीजिए महाराज, मैं बुला लेता हूँ। गिरफ्तार कर लो। ये बात है, गद्दारों, कमीनों, नमकहरामों, ले जाओ, तैर जाओ। पिताजी, आप कहाँ जा रही? अब आपको मेरे इशारों पे चलना होगा, समझी? या तो रे आई मैं तो
छम छम रोई रे प्रीत भरे आंसू ने चुनरी भिगोई रे चुनरी भिगोई या तोरी आई मैं तो छम छम रोई रे प्रीत भरे आंसू ने चुनरी भिगोई रे चुनरी भिगोई या तोरी आई जी। क्या छुपा रही हो बीना? तुम्हारी मोहब्बत छुपा रही हूं। बहुत चंचल हो गई हो तुम। इस दिल के लिए सब कुछ करना पड़ता है। वो देखो सरदार, सामने कुछ पहाड़ियां नजर आ रही है। अब कुछ खाने पीने का इंतजाम हो जाएगा। यहाँ तो मारे भूख के बुरा हाल हो रहा है सरदार। घबराओ नहीं बालू, सब्र का फल मीठा होता है। ज्यादा सब्र करने से फल सड़ जाएगा सरदार। अहमद जी। सरदार, जहाज को दाईं तरफ ले चलो, वहाँ एक टापू नजर आ रहा है। वो जजीरा समुद्री डाकुओं का अड्डा है सरदार, वहाँ जाना बहुत खतरनाक है।
अमर किसी खतरे की परवाह नहीं करता। तुम जहाज को उसी तरफ ले चलो। बहुत अच्छा सरदार। तैयार कर, नहीं तो अलगो तो मुझे खा जाएगा। अभी तैयार हो जाएगा। तुम्हारा सरदार कहाँ है? अंदर गुफे में है। मुझे कुछ खाने पीने के सामान की जरूरत है और मैं उसकी कीमत देने के लिए तैयार हूं। अलबर्तों के पास तो ऐसे चमकदार जेवर बहुत हैं, लेकिन उन जेवरों का पहनने वाला नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? मैं अपने सवाल का जवाब मांग रहा हूं। हमसे जवाब मांग रहे हो? अलबर्तों से कोई जवाब नहीं मांगता। लेकिन अमर अपने हर सवाल का जवाब लेकर रहता है। लड़ना चाहते हो? Thank you.
इंसान नहीं। मुझे मार डालते तो अच्छा होता। क्यों? आज की हार ने मेरा सर हमेशा के लिए नीचा कर दिया है। हार जीत तो भगवान की मर्जी पर है। आओ, आज से हम तुम दोस्त हैं। अमर, तुम हमारी इज्जत के लिए अपनी जान पर खेल गए। ये तो मेरा फर्ज था। लेकिन हमने तुमसे बेईमानी की है। बेईमानी? हाँ, ये लो राजकुमारी का खत। खत? मंत्री ने राजकुमारी और महाराज को कैद कर लिया है। सोच क्या रहे हो अमर, हमें उन्हें बचाना चाहिए। ठीक है मंगलू। अलबत्तो। चलो। दिल है हमारा फूल से नाजुक, बाजू है फौलाद। तूफानों में पलने वाले रहते हैं आजाद। दिल है हमारा फूल से नाजुक, हो हो हा हा। हमारा फूल से नाजुक। अपने इरादे पर्वत है और दिल है दरिया जैसा। अपने इरादे पर्वत है और दिल है आगे बढ़ते रहना साथी, पीछे हटना कैसा, पीछे हटना कैसा, ओ पीछे हटना कैसा। सामने खुद आएगी मंजिल तूफानों के बाद। तूफानों में पलने वाले रहते हैं आजाद। दिल हमारा फूल से नाजुक, हो हो हा हा हे हे। दिल है हमारा फूल से नाजुक। से खेल के, इन लहरों से खेल के, ओ बेड़े पार लगा देंगे हम लाख थपेड़े झेल के। बेड़े पार लगा देंगे हम लाख थपेड़े झेल के, ओ लाख थपेड़े झेल के। जीते जी ना होने देंगे ये दुनिया बर्बाद। तूफानों में पलने वाले रहते हैं आजाद। दिल है हमारा फूल से नाजुक, हो हो हा हा हे हे। उस्तादे मोहतरम, चलिए मंत्री जी ने आपको याद फरमाया। अल्लाह ने चाहा तो आज के बाद मंत्री हमें हमेशा याद करता रहेगा। आमीन सुम्मा आमीन।
देखिए हमारा सामान वगैरह तो अंदर रखती है, हम लौटते हुए लेते जाएंगे। कोई बात नहीं, आप क्या ना करें। शुक्रिया। आइए आइए सामने साहब, आइए आइए उस्ताद मुकरी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सलाम सलाम सलाम। आपसे मिलिए, आप हैं उस्ताद मोहतरम इब्ने आदम मुगले आजम यानी के सबसे बड़े जादूगर उस्ताद सामरी, और आप यहाँ के वजीर आजम इब्ने तिकरम व चक्रम मालिक ताज तख्त यानी के इब्नुल वक्त और सबसे बड़े कम वक्त महामंत्री। अरब लोग हाथ नहीं मिलाते, गले मिलते हैं। सुभान अल्लाह उस्ताद, आप पे बहुत मेहरबान है उस्ताद, इस बेचारे का काम आज कर ही डालो। सुभान अल्लाह माशा अल्लाह, हूरे हूर हो, खुदा का नूर हो। क्या तुम्हारी बहन है? क्या वक्त है, तबा तबा, ये तो इनकी महबूबा है। आप बुरा मत मानिए, उस्ताद को दाढ़ी की वजह से जरा कम नजर आता है, मगर आंखों से दाढ़ी का क्या ताल्लुक है ये आपको बाद में मालूम हो जाएगा। अच्छा सुनो, उस्ताद से कहो अपना काम तो शुरू करें। आप घबराइए मत, उस्ताद तो अपना काम ऐसा कर जाएगा कि आप जिंदगी भर याद रखेंगे। आइए उस्ताद मोहतरम इनके लिए कुछ कीजिए, इनकी महबूबा इनसे नफरत करती है। माशाल्लाह लड़की समझदार मालूम होती है। क्या कहा? है उस्ताद की हर बात का मतलब उल्टा होता है। घबराइए मत, आगे आगे देखिए क्या होता है। याखी शकीना मरीना और जीना। अब आप अपनी महबूबा को इस जादुई संदूक में बिठा दीजिए। थोड़ी देर के बाद उसका पत्थर दिल पिघल कर मोमबत्ती हो जाएगा और फिर आपकी मोहब्बत में तड़पने लग जाएगी। मैं इस संदूक में नहीं बैठूंगी। आपको इस संदूक में बैठना ही पड़ेगा। नहीं नहीं। आप इस तरह आई थी, मैडम आई आई निकाला तो खंजर सीने के पार हो जाएगा। अमर ये संदूक तुम ले जाओ, मैं तुम्हारे माता पिता को छुड़ा कर ले आऊंगा। ठीक है चलो मंगलू। सरकार जा रहे हैं आप? Thank you.
राजकुमारी तुम ठीक हो? अरे भाई जल्दी चलो, सिपाही मुर्गी के पीछे लगे हुए हैं, वरना हमारे पीछे लग जाएंगे। चलो भागो। तुम्हारा नाम क्या है? अरे थाम थाम कमर। अरे तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। साथी मछेरे के बेस में यहाँ आए हुए। ओ, तो मछली खुद ब खुद जाल में आ गई। तुम उधर जाओ, तुम लोग मेरे साथ आओ। जाओ चारों तरफ झूंझो, चप्पा चप्पा छान मारो, जाओ। न जाने कहाँ चले गए कमबख्त। जल्दी करो। कुछ पता चला? वो है
कमबख्त धोखा देगा। क्या मुखिया का यही घर है? कौन हो तुम? हमें अल्बर्टो ने भेजा है। आओ। कौन है? कौन हो तुम लोग? हम अल्बर्टो के साथी हैं। कहाँ हैं वो लोग? लक्ष्मी आओ। बेटा, माँ, बेटा, बेटे, पिताजी, जीते रहो बेटा। अमर भैया, अब हमें यहाँ से फौरन गोल हो जाना चाहिए। ठीक है मुखिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। देखो मंगलू, रास्ता साफ है। अभी देखता हूँ। चलिए चलो। अमर भैया, खोलो बात। अमर कैसा है? ले जाओ इसको। चलो ले जाओ इन सबको। क्या बात है राजकुमारी जी, आज बहुत परेशान नजर आ रही हैं। यूं ही दिल घबरा रहा है। जब दिलदार दूर होता है तो दिल घबराया करता है। ये बात नहीं है वीना। तो फिर क्या बात है? देखिए, झूठ ना बोलिए, आपकी आंखें बता रही हैं इन्हें किसी का इंतजार है, है ना? ठीक बात। कहाँ जा रही हैं आप? कहीं नहीं। ले जाओ इसे। आओ मेरे साथ चलो। अल्बर्टो, चलो चलो।
कर दो। जंजीरों में जकड़ दो। राजकुमारी साहिबा, आपकी नजरों के तीर तो अमर का कुछ नहीं बिगाड़ सके, लेकिन आज मेरे तीर उसका सीना छल्ली करके रख देंगे। अगर यकीन न हो तो अपनी आंखों को देख लो। चलाओ तीर। वीना, ये तुमने क्या किया वीना? सामने चलकर ऐलान कर दीजिए कि तख्त का वारिस मैं हूं, वरना रस्सी जलने में देर नहीं लगेगी। समय बहुत कम है महाराज। हमें मंजूर है, मशीन हटवा दो। पिताजी ऐसा मत कीजिए, पिताजी, पिताजी ऐसा मत कीजिए, पिताजी। तुम तख्त नहीं छोड़ना चाहते हो तो दुनिया छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तेरी बच्ची। Thank you.
ऐसा ना हथौड़ा मार मार के दरवाजा तोड़ दो। ये दोनों सुनता ही नहीं है। ए, तुम लोग मानते हो मैं भाग रहा हूँ? अरे अमर भैया मान जाओ, फर्क पूछ जाएगा। ताला तोड़ दिया, आखिर भी हुआ ना कर दे। ठाकुर हमारी चिंता न करो, पहले उन लोगों को रिहा कराओ। ठीक है, मैं अभी अस्थाना लेके आता हूँ। चलिए Come on!
महाराज को कुछ दिन आराम की जरूरत है। ठाकुर अब तो आराम ही आराम है। हम अपना ताज तख्त और राजकुमारी का हाथ अमर के हाथ में देकर अपनी सारी जिम्मेदारियों से सुबकतोश होना चाहते हैं। महाराज ये आप क्या कह रहे हैं? अमर हमने किस्मत के लिखे को मिटाने की बहुत कोशिश की लेकिन हमें आज मालूम हुआ कि हर बात अपने समय पर होकर रहती है। अल्बर्टो महाराज रियासत में हमारे इस फैसले का ऐलान कर दिया जाए। जो हुकुम महाराज। भाभी भाभी हे भाभी हे आप तो ये देवर मुबारक हो।